बहुत दिनों के बाद कैमरा हाथ में लेके व्लॉग करने में और इस पूरे गेटअप में आने का एक अलग ही मजा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज मैं, प्रसाद सर और राहुल, हम लोग जा रहे हैं माशेज घाट और ये बहुत रैंडम प्लान है, बहुत दिनों के बाद बना है। इनफैक्ट लास्ट टाइम प्रसाद सर भी नहीं थे और हमको राइड पे जाके भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राइड पे माशेज घाट और बाकी की कहानी बाइक। तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए क्योंकि वेदर इतना अच्छा है तो फोटोशूट तो बनता है। अभी राहुल भाई अपना फोटो निकालेगा बाइक का और अपना नहीं बाइक का ही निकालेगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो पूरी चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। बहुत सही है, बहुत सही। अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट इधर रुकेंगे और उसके बाद आगे। गाइज राइड पे अगर पोपट ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। मैंने कल एडाप्टर का वायर प्लग इन नहीं किया था, सोचा था कि सुबह जब निकलूंगा तभी याद से मैं प्लग कर दूंगा। अभी तक जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है ऑडियो का। मतलब सीरियसली मैन, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होना ही है। बट कोई नहीं, मालूम तो भी पड़ा इधर रुक के, नहीं तो प्रॉब्लम होता था, पूरा वीडियो बिना क्लियर ऑडियो के आता। चलो निकलते हैं अभी, फोटो सेशन हो गया है बाइक का, इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो। और एक अपडेट ऐसा है कि बैटरी भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन बैटरी अच्छी खासी है अभी भी तो टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा अगर छोटे छोटे सिली मिस्टेक भी होते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है फिर। और ये देखो बाइक बंद पड़ गई ऑटोमेटिक, ये कल से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, अभी नया ही प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जैसे कि आप देख सकते हो इस सुहाने मौसम में आपका स्वागत है, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये प्लान कैसा हुआ, क्या हुआ सब मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक छोटी सी गलती की जिसका मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है, वो मतलब मैंने एडाप्टर का केबल गोप्रो में प्लग इन नहीं किया था। इसके लिए मैं यही से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पहले क्या क्या हुआ, हमने कब राइड स्टार्ट की सब मैं आपको बता देता हूँ। हमने राइड स्टार्ट की 6:30 बजे और मेरा रैंडम प्लान बना है ये माशेज घाट जाने का, क्योंकि इसके पहले मैं और इवन राहुल भी माशेज घाट कभी गए नहीं है एंड आई गेस प्रसाद सर भी नहीं गए। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी ये प्लान किया। बाकी राइडर्स का पॉसिबल नहीं हुआ इसके लिए, वो लोग नहीं आए, तो हम तीनों ही निकल चुके हैं राइड पे और बहुत सही लग रहा है। हम लोग ने जो रूट लिया है वो नवी मुंबई, शिलफाटा, कल्याण, मुरबाड़ अभी आएगा, उसके बाद डायरेक्ट माशेज घाट। तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, पहले यही यहाँ तक आने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, बट कोई नहीं, वो स्ट्रगल अभी सफल हो रहा है ये सब मौसम नेचर उसकी वजह से। तो बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। तो आज है संडे और संडे के दिन पे मेरे ख्याल से सारे टूरिस्ट प्लेस आज क्राउडेड रहेंगे और करीबन 1 घंटा लगेगा और मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्या वेदर है यार, क्या वेदर है। सूरज देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हमें एंड कह सकते हैं कि दैट्स अ गुड थिंग। मेरे गोप्रो के लेंस पे पानी आ रहा है, इसके लिए सॉरी फॉर दिस। राइड पे जाने के पहले दिन पता नहीं क्यों लेकिन नींद ही नहीं लगती है। रात भर थिंकिंग प्रोसेस चालू रहता है कि कल क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे कौन से रूट से जाना है एंड ऑल, तो वही चालू रहता है। और मैं 4 घंटे सोया हूँ, राहुल भी 4 घंटे ही सोया है, इवन प्रसाद सर भी ज़्यादा नहीं सोया आई गेस। हमारा देखो फॉर्मेशन में बताता हूँ, जो पहले उठेगा वो सबको कॉल करता है हमारे ग्रुप में, तो सेम चीज़ यहीं पे यहाँ पे भी आज भी अप्लाई की हमने। एंड राहुल बेचारा बहुत जल्दी उठ गया था, 4:30 बजे ही उठ के वो रेडी भी हो गया था 5 बजे तक, हम लोग उठे 5 बजे।
तो गाइज अभी हम लोग रुके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मालसेज घाट पे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पीछे का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा दूँ, और राइड बहुत स्मूथ जा रही है क्योंकि रास्ते भी काफी अच्छे हैं जैसे कि आपने देखा, और क्लाइमेट भी एकदम सुपर है। पीछे वाटरफॉल है, और अभी यहाँ पे भी 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फोटोज खींचेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। और तब तक मैं मेरी मेमोरी जो है गोप्रो की तो वो फोन में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मैंने 60 FPS पे शूट किया और जो शूट किया उसमें ऑडियो नहीं आया था, इसके लिए फिर कुछ पार्ट्स मैं डिलीट कर दूंगा। और बस एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। बाइक की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, पूरा धूल मिट्टी डस्ट बहुत थी, और गोप्रो का कुछ मैंने ऐसा सेटिंग किया है, इग्नोर दिस पार्ट। और बाकी भी देख सकते हो कि यही यहाँ पे भी मिट्टी है, बट मजा आ रहा है बहुत। ये पीछे का व्यू, कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। और यहाँ पे एक टनल भी है, अभी ये सैडलिंग पार्ट चालू है। भेंडी यस दिस इज द टनल। ये मिसल पाव आ चुका है, राहुल एंजॉयिंग सर, मस्त साथ में सर ने अंडा दिया है, दिखाएंगे अपनी बाइक मस्त अपने सामने खड़ी है, फोकस। चलो काफी लंबा ब्रेक हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा घंटा ब्रेक हुआ ये, और मेमोरी भी ट्रांसफर कर लिए फोन में ताकि स्पेस रहे अगर कोई अच्छा पॉइंट आए तो, बैटरी भी चार्ज कर लिए थोड़ी। अभी तक प्रॉपर हम लोग कोई स्पॉट पे रुके नहीं है, तो अभी आगे जाके एक लेक है तो वहाँ पे जाके हम लोग रुकेंगे। स्पॉट मिल गया, पीछे लेक है और पहाड़ियों की रेंज है पूरी, तो हम लोग अभी फोटोज खींचेंगे, इंस्टा रील्स वगैरह बनाएंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे।